हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर, डबल कलर और मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती हैं। सभी तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 5 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 फंदे, 10 दूनी 20 और उसमें 5 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए पहला फंदा इसका एस्टिच है। उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए एक और ये दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा बना दीजिए। धागे को अपनी तरफ ले आइए और 9 फंदे सीधे बनाइए। देखिए धागा अपनी तरफ है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदे को इस तरह से सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो फंदे ये उल्टे और एक फंदा ये सीधा। इससे आगे हमने जो 9 फंदे सीधे बनाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिज़ाइन है, आगे इसको बार बार रिपीट करना है। तो देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये 9। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा सीधा। आपके जितने भी फंदे हों इसी तरह से इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, इनको उल्टा बना दीजिए। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड। इस डिज़ाइन की उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बनेंगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और दूसरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिएगा, पहले 2 फंदे ये उल्टे, आप एक फंदे को उतार भी सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है, एक और ये 2। धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये जो हमने जाली से फंदा बनाया इसको इस तरह से सीधा बना देंगे। यहाँ पर जाली से एक फंदा और बढ़ गया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये 9। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा कर बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर फिर से एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा बना देंगे, तो एक फंदा यहाँ पर और बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ और 9 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये 9। धागे को पीछे करेंगे और ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले 2 फंदे उल्टे, एक और ये 2। फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 2 फंदे ये जो हमने जाली से बढ़ाए हैं उनको सीधा बनाएंगे, एक और ये 2। धागे को अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात
8 और ये 9। अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए जाली से जो बनाए हुए दो फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली आ जाएगी, फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये वाले फंदे को जब हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली और आ जाएगी। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के दो फंदे उल्टे, 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि 7वीं सिलाई पर अब हमने इस डिजाइन को बनाना है। तो दो फंदे ये स्टार्टिंग के उल्टे, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए जाली से यहाँ पर जो तीन फंदे बने हुए हैं इनको सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक फंदा और बढ़ गया, 1, 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, अब ये देखिए ये जो 9 फंदे हैं इस पहले फंदे के ऊपर से ये 8 फंदे हम इस तरह से पलट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये जो फंदा है इसे हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 फंदे इधर बढ़े हैं, अब 4 इधर से बढ़ेंगे तो हमने 8 फंदे जो बीच में घटाए हैं वो दोनों साइड जाली से कंप्लीट हो जाएंगे। धागा पीछे, अब देखिए 1, 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को जब हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये डिजाइन हमारा बन जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे और डिजाइन को रिपीट करेंगे, 1, 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे बनाए हैं तो एक जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 9 फंदे हैं इस पहले फंदे के ऊपर से 8 फंदे पलट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इस फंदे को आप इस तरह से उल्टा बना दीजिए, धागा पीछे और तीन फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई और लास्ट के दो फंदे उल्टे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर फ्रेंड्स से आप इसे एक कलर से बनाना चाहते हैं तो इसी कलर से अब आप 8वीं सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए, लेकिन अगर इस डिजाइन को आप डबल कलर, ट्रिपल कलर या मल्टी कलर में बनाना चाहती हैं तो 7 सिलाइयाँ ये कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ 8वीं सिलाई जो आई है उल्टी साइड से यहाँ पर इसके सेकंड कलर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर अपना सेकंड कलर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने सेकंड कलर को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस कलर से 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8-8 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करते जाना है। जितने भी कलर आपको लगाने हो आप उल्टी साइड से इसमें कलर चेंज कर सकती हैं। अब जैसे पहली सिलाई हमने यहाँ से बनाई थी वही पहली सिलाई अब इसकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आपको एक बार इसकी नेक्स्ट स्टार्टिंग बता देती हूँ। ये देखिए पहले दो फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 9 फंदे अब सीधे बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे। अब देखिएगा
यहाँ पर दो फंदे उल्टे और एक ये सीधा, और हमने जाली डाली यहाँ तक का छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिएगा, एक, नौ फंदे सीधे बनाने हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। इस तरह से इसकी ये नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो चुकी है। उल्टी साइड की सिलाई वही फिर से उल्टी आएगी, सीधी साइड पर फिर हमने वही करना है। ये जो नौ फंदे हैं ये हमारे उल्टे बन जाएंगे। जब आप बार बार इन्हीं आठ आठ सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।